सीआरपीसी ये भी कहता है एफआईआर शुड बी लॉस्ट ऑन अप्रोप्रिएट टाइम. एफआईआर मतलब तो डिलेड एफआईआर का हमेशा ग्राउंड मिलता है. डिलेड एफआईआर कि अगर कोई चीज के अंदर जैसे मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया किसी फीमेल ने किसी डॉक्टर के ऊपर लेकिन वो मोलेस्टेशन छह महीने बाद लगाया तो दैट बिकम अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर द अक्यूज टू कम आउट ऑफ दैट केस. क्योंकि लॉ का ऐसा बोलना कि जिस वक्त दर्द होता है उस वक्त की ट्रीटमेंट की जरूरत है. तुम्हारे साथ कोई गलत हुआ है तो तुमने उस वक्त क्यों मुंह रखा, मतलब तुमने उसको एक्सेप्ट किया, मतलब गलत था ही नहीं. तो तुमने अगर बाद में फाइल किया तो इट इज आफ्टर थॉट. ऐसी मेडिकल निग्लिजेंस के बहुत सारे केसेस के अंदर इट इज डिलेड प्रोसेस, वो ग्राउंड हमको मिलता है टू कम आउट ऑफ द केस. सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी, उसके अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज लीगली बाउंड टू इन्फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इफ दे हैव सीन एनी क्राइम हैपनिंग और हैपनिंग. इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप रास्ते से जा रहे हो, आपने देखा सामने आके आपके सामने मर्डर हो गया, आप देख रहे हो, आप आई विटनेस हो, तो लॉ आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जाके उस चीज को पुलिस को बताओ. लेकिन हम तो जाते नहीं और पुलिस के उसको एविडेंस नहीं कि हमने देखा, तो पुलिस हमको अरेस्ट नहीं कर सकती. लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में जब भी कोई क्राइम होता है डॉक्टर के पास आता कि दोनों ने मारा मारी किया, उसने उसको चाकू मारा और ये बंदा इधर पहुंच गया सीएलडब्ल्यू कराने के लिए, तो डेफिनेटली क्राइम है. या उसने बाइक से उसका एक्सीडेंट कर दिया और उसको लेके आया तो इट इज एक्सीडेंट, इट इज अगेन. या फिर हस्बैंड ने सिगरेट के चटके दिया हो या मारा हो वाइफ को या वाज़ इट इज अ क्राइम. तो एवरीथिंग कम्स टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट एंड इफ यू डोंट इन्फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देन यू आर लीगली बाउंड. वेयर यू आर लीगली बाउंड देन यू विल बी पनिश्ड. एंड यही हमारे लैंग्वेज में उसको एमएलसी बोलते हैं, जिसको हम लोग एमएलसी बोलते हैं. इट इज अ मेडिको लीगल कंप्लेंट इज नथिंग बट द राइट्स विच इज गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर डिनाई नहीं कर सकता कि मेरे पास नहीं आया. राह चलते हुए आप डिनाई कर सकते कि मैंने नहीं देखा, लेकिन यहां तो आप ही हो, आपका प्रिस्क्रिप्शन है, आपका एविडेंस है, तो आपके लिए डिनाइल डिफिकल्ट है कि मेरे पास ये आया नहीं था. ये तो आपको मालूम क्राइम है. इसीलिए लास्ट टाइम जब मैंने आपसे पॉक्सो लॉ के बारे में बात किया था, तो जब लॉ ही आपको बोलता है कि इफ यू फाउंड एनीथिंग डन विद अ चाइल्ड विच इन सपोज इन अप्रोप्रिएटली चल्ड और टस्ट और इंसर्टेड समथिंग नो सम ऑफेंस हैपेंड देन जैसे ही आपको पेशेंट के रिलेटिव से मालूम पड़े मालूम पड़े या फिर आपने सोनोग्राफी या प्रेगनेंसी दिख गई 18 साल के नीचे या आपने यूपीटी किया 18 साल के नीचे पॉजिटिव दिख गया तो 18 साल के नीचे पॉक्सो लॉ के अंदर माइनर में आता है. तो उस माइनर में आया तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट तो है क्योंकि प्रेगनेंसी तभी रही तो दैट कम्स अंडर क्राइम. देन यू आर मैंडेट बाय द लॉ. दोनों लॉ मतलब पॉक्सो लॉ से भी मैंडेट है और सीआरपीसी से भी मैंडेट है. दोनों से आपको मैंडेट है कि आपने इन्फॉर्म करना चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं. जैसे मेरे को एक पुणे से कॉल आया था एक कंसल्टेंट का कि सर मेरे एक फ्रेंड ने रिफर किया था गायनेकोलॉजिस्ट को एंड वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास में इसके पास पॉजिटिव था, वो यूपीटी पॉजिटिव थी और वो गायनेकोलॉजिस्ट ने उसका एमटीपी किया और बाद में ये रेप केस फाइल हुआ. तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था एज क्या था, बोले 17 ईयर्स. तो उसका कंसर्न क्या था कि गायनिक के पास तो आ गई पुलिस, उसके साथ तो नेचुरली उसको तो पार्टी बना दिया. इसका कंसर्न था कि जीपी के साथ क्या होगा क्योंकि वो भी अरेस्ट हो सकते हैं. अगर आपको नॉलेज है और आपको बचाना है अपने बंदे को तो फिर आपको कहीं ना कहीं उसको ये दिखाना है कि मेरे को पता ही नहीं था प्रेगनेंट. मैंने ये बोला कि यू डोंट शो दैट यू हैव सीन द सोनोग्राफी रिपोर्ट, यू कैन से दैट आई हैव जस्ट रिपोर्ट फॉर सोनोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल डाउट नो प्रॉपर हिस्ट्री. और जब मैं सोनोग्राफी रिपोर्ट देखा ही नहीं हूं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा शी इज प्रेग्नेंट. इफ यू टेक दैट स्टैंड देन यू आर आउट ऑफ दैट परव्यू. वो तो मेरे को बाद में मालूम पड़ा व्हेन शी हैज ऑलरेडी डन एमटी कि शी वाज प्रेग्नेंट. अग्री. तो यू नीड टू नो द लॉ के वेयर योर बाउंडेशन इज. थोड़ा सा भी आइडिया है यू कैन इमीडिएटली टॉक टू द क्लाइंट की क्या एज है, कौन सी जगह है. तो एमएलसी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन आवर प्रैक्टिस बिकॉज एवरी क्राइम विच इज इन आईपीसी क्राइम
comes to the doctor for the treatment and we are the direct person who are involved, जो कभी भी ट्रेस्ड आउट हो सकता है पुलिस को, वो आपसे पूछ सकता है, मैंने मेरे पास ऐसे भी केस आए कि एक्सरे निकाला था और उसके अंदर बुलेट निकाला था, कोई हिस्ट्री नहीं थी लेकिन बुलेट दिख रहा है, तो बॉडी के अंदर बुलेट है, डेफिनेटली इट गॉट, वो आर्मी का तो बंदा नहीं है, तो डेफिनेटली देर इज अ क्राइम सिग्नल, एंड वो अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करो तो क्रिमिनल होगा तो बच गया ना। ऐसे केस में आए थे वेयर दिस रेडियोलॉजिस्ट वॉज ट्रबल्ड बाय द पुलिस, क्योंकि उसने एमएलसी किया ही नहीं था, और मेरे पास आया बीइंग अ डॉक्टर, मेरे को भी प्रॉब्लम है, लफड़े में नहीं बचता था, मैंने भी एक्सरे देखा, ओवरलुक कर दिया, एंड बाद में टर्न आउट टू बी ही टर्न आउट टू बी क्रिमिनल एंड ही गॉट अरेस्टेड लेटर ऑन। और फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो बुलेट तो अंदर थी, बाद में दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बुलेट निकाला था, उसके एक्सरे से मालूम पड़ा था, देन दिस पीपल विल बी कॉट कि वाई यू आर नॉट इन्फॉर्म द पुलिस एट दैट टाइम। सो सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी सेज दैट इट इज अ मैंडेट ऑन एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री to inform to authorities if they have found any crime has happened or happening. So CrPC plays very important role. CrPC plays very important role in our practice. So let's get little idea about CrPC. CrPC ke andar kuch words hai which you need to know. So let me give a little idea about the words which is mandated. Offence ka matlab kya hai? The act or omission made by punish. Koi bhi act tum karo jo punishable hai law mein. CRPC is criminal procedure, वेदर देखा। CPC is civil procedure. Civil मतलब no jail. Civil मतलब damage, compensation, पैसा, that's all. Divorce हो गया, that is property matter हो गया, that is all is civil. यहाँ jail punishment नहीं है. Criminal मतलब where you are a crying criminal of the state. जैसे last time मैंने बताया था कि CPC में it is party versus party. Which can be immediately settled. लेकिन CRPC का मतलब इट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज द एक्यूज। मैं भले कंप्लेन करूं रेप का, लेकिन रेप कंप्लेन करने का मेरा राइट खत्म हो जाता है, मैं खाली ट्रायल कोर्ट में इंपॉर्टेंट हूँ। फिर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज द एक्यूज। मेडिकल निगलिजेंस में भी आप देखो, पेशेंट ने कंप्लेन किया तो इट इज नॉट ए पेशेंट पर से, आपके एफआईआर में चार्जशीट में जब भी किसी का पेपर पढ़ोगे देखोगे इट इज डॉक्टर सो एंड सो वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। Means state of Maharashtra is a responsible person for taking care of their state. इसीलिए criminal जो रहते हैं वो states के रहते हैं, it's not an individual criminal. Agree? So CRPC is governed by the procedure. So offence which is punishable as per the IPC section or PCPNT or NTP or any act which is available which has got a punishable section. अगर वो punishable section है तो it will come under CRPC. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑर्थोपेडिक का, कि उसको उसके इनहाउस में मेडिकल स्टोर था, इनहाउस में खुद के लिए यूज करता था वो, बहुत सारे हॉस्पिटल के रहते थे लेकिन अपने लिए यूज करता था, सामने वाले मेडिकल स्टोर वाले का बिजनेस नहीं हो रहा था, क्योंकि बिजनेस का हैम्पर होगा जब डॉक्टर खुद के यहां सब यूज कर रहा है, लेकिन इसका ऑफिशियल मेडिकल स्टोर नहीं था, उसको इसको सताना था, कहीं ना कहीं तकलीफ देना था, और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ उनकी सेटिंग अच्छी रहती है। उसने ड्रग इंस्पेक्टर जब विजिट को आया तो उन्होंने प्लान किया, और इसने ड्रग इंस्पेक्टर को क्या बोला कि सामने वाला बंदा हॉस्पिटल में ड्रग बेचता है और उसके पास लीगल लाइसेंस नहीं है, उसको एविडेंट प्रूव करने के लिए इसने एक डमी पेशेंट को भेजा, डमी पेशेंट ड्रग इंस्पेक्टर साथ में गया, डमी पेशेंट को लेके, और वो बंदे ने खाली पब्लिक फ्लॉप मांगा एक सिंपल मेडिसिन, और वो टाइम पे हॉस्पिटल में उसका भतीजा था तो पैसे की लालच किसको नहीं जाती, तो उसने ओमेज और कॉम्बी प्लम निकाल के दे दिया वो पेशेंट को, वो तो आउटसाइडर था, हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट था नहीं, उसने निकाल के दे दिया उसको, गुड फेथ में नहीं दिया वो बेचने के लिए, उसको तो मालूम नहीं कौन है वाकड़ा, तो इसने बोला कि मेरे को बिल भी दे देंगे, तो उसको उतना नॉलेज नहीं था, उसने एक पेपर पे लिख के, उसका बिल बुक तो थी, पेपर पे लिख के दे दिया रिसीव्ड इतना इतना करके, और वही ड्रग इंस्पेक्टर खड़ा, उसने रेड हैंड पकड़ा, एंड देन उसने इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया। पनिशेबल ऑफेंस मतलब सेक्शन 18 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से इज दैट विदाउट फार्मासिस्ट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग और रनिंग अ मेडिकल स्टोर इट इज अ वायलेशन ऑफ अ लॉ, एंड सेक्शन 23 फर्दर से इज दैट द पनिशमेंट इज अप टू 3 इयर्स। तो द मोमेंट पनिशमेंट आ गया इट बिकम, लेकिन 3 इयर्स के नीचे था अवेलेबल था, डॉक्टर ने उसको जब पुलिस स्टेशन लेके गए इवनिंग में, मुझे फोन किया तो मैं बोला डरने की कोई बात नहीं, अवेलेबल ऑफेंस बिकॉज एनीथिंग बिलो 3 इयर्स बाई
default it is available unless and until expressly mentioned in the act. जैसे मैंने आपको last time बताया था कि violation against medical service provider act के अंदर maximum punishment is 3 years, लेकिन उसमें नीचे लिखा हुआ है कि non available. So unless it is expressly mentioned, जैसे मैं आपको बता महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिसनर एक्ट, मैं कल उससे इसके बारे में बात करूंगा. महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिसनर एक्ट 1961 इज गवर्निंग द हेल्थ सेक्टर इन महाराष्ट्र. वो एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, यूएमएस हो, बीएचएमएस हो, सबको गवर्न करने वाला एक ही एक्ट है, महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिसनर एक्ट. इसके अंदर फॉर नॉन क्वालिफाइड पीपल प्रैक्टिसिंग अंडर सेक्शन 33 में बताया गया है विच काउंसिल दे शुड बी रजिस्टर्ड, लाइक ऑल द 3 काउंसिल्स. अगर उसमें रजिस्टर्ड नहीं है बट स्टिल दे आर प्रैक्टिसिंग एंड दे विल गॉट होल्ड, सो दे विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 34, 35. 33A के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है, 35 में पनिशेबल ऑफेंस है, 36 में इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर फर्स्ट ऑप्शन इज 3 ईयर. तो अवेलेबल होना चाहिए, जब जज के पास जाते हैं 1 ईयर भी है, 3 ईयर्स भी है, 5 ईयर्स भी है. तो जब पहली बार ऑफेंस होता है तो 1 ईयर है, तो जज को इमीडिएटली लगता है अवेलेबल. या क्योंकि हर जज को तो हर एक्ट नहीं मालूम है जब तक एक्सप्रेसली बताया जाए, बट इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ लॉयर टू, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडिंग देयर क्लाइंट बट दे आर द वन ऑफ द सपोर्टर टू द कोर्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. तो झूठ भी नहीं बोल सकता. अगर उसने लॉ पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 38 वो छोटे में लिखा है, बट सेक्शन 38 में लिख दिया है कि ऑल अबो सेक्शंस एंड ऑफेंसेज इन दिस एक्ट इज नॉट अवेलेबल. तो द मोमेंट नॉन अवेलेबल, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स जब भी केस बनाते हैं किसी भी बोगस डॉक्टर पे, तो ये नॉन अवेलेबल उनको पता नहीं रहता कि अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन एक्सप्रेसली मेंशन करते हैं. इट इज एक्सप्रेसली मेंशन ऑन एक्ट देन एंड देन ओनली इट बिकम नॉन अवेलेबल, अदरवाइज एनी पनिशमेंट अप टू 3 ईयर्स इज अवेलेबल. अगेटिंग सो सेक्शन 39 टॉक्स अबाउट द सीआरपीसी. सो ऑफेंस मीन्स वॉट? एनी एक्ट, एनीथिंग विच यू डन विच इज एक्शनेबल अंडर एक्ट विच इज पनिशेबल. केस मतलब क्या? प्रोसीडिंग फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द पर्सन अनलेस यू हैव अ कंप्लीट प्रॉब्लम. मतलब केस हम बोलते हैं केस रजिस्टर्ड हो गया, तो केस रजिस्टर्ड हो गया मतलब जिसके ऊपर ये एलिगेशन हुआ है वो बता. नेक्स्ट